तो अपन स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है? तो अपने लिए पहले एक बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री खींची, अब एक लाइन खींचो ऐसी स्ट्रेट, ओके? इस लाइन पे अपनी जो है आईज आएंगी, ठीक है? जो अपन आई के लिए लाइन बनाते थे। अब इससे थोड़ा ऊपर, मैं इसके बाद ऊपर ऊपर मेजरमेंट बताऊंगा, ठीक है? तो इसके 1 सेंटीमीटर ऊपर एक मार्किंग करो, ठीक है? फिर इसके कितने नीचे करना है, अपन नोज बनाना है, तो इसके नोज के लिए बना दो 5 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, 4, ओके? ये अपना नोज यहाँ कहीं आएगा। और फिर इस लाइन से कितना नीचे लिप्स का करना है, 5.5 का, ठीक है? तो यहाँ पे लाइंस खींच लो, जो मैंने तो अभी मेजरमेंट बताया, ये ऊपर वाला इस लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर। देखो मेजरमेंट में कुछ डिफरेंस आएगा तो वो मैं नोटिस करा दूंगा, लेकिन एक बेसिक बना के चल रहा है अपन ऐसे रेफरेंस की तरह, कि लगभग लगभग इधर से होना चाहिए, ठीक है? अब आईज की एक बात ध्यान रखना, ह्यूमन आई की जो लेंथ होती है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोनों आईज का, वो सेम होता है, ठीक है? तो लेट्स से अपन ह्यूमन आई बना रहे हैं, वन कितने सेंटीमीटर की बनाया अपन, अपन बनाएंगे 3 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? तो बीच में 0.5 रखा मैंने, 3 यहाँ मार्क किया, 3 यहाँ मार्क किया, इस तरीके से यहाँ पे आएगी ऐसे आए, और 3 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना लो यहाँ पे ताकि आए यहाँ पे आए, और 3 सेंटीमीटर यहाँ मार्क कर लो ताकि ये रख, तो अपने आई जो है वो यहाँ पे आएगी, ओके? अब तुम्हें नोज के लिए बताया था मैंने कि नोज के लिए अपन यहाँ पे जो सर्कल बनाते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से अब तुम्हें उतने उतने सर्कल की जरूरत नहीं है कि तुमने प्रैक्टिस करी है, लेकिन तब भी अपन बना लेते हैं। अपन पहले पूरे चेहरे का बेसिक सा शेप बनाएंगे, तो ये रही अपनी नोज के लिए अपना सर्किल, ठीक है? और जो नोज की स्टेम है अपन यूजुअली वो ड्रॉ नहीं करते हैं, तो एक हिसाब रखना कि यहां से ऐसे जाएगी और फिर आईब्रो के ऊपर से ऐसे आएगी, तो लगभग लगभग यहां रहेगी, दोनों को बराबर रखना, वो अपन देख लेंगे कैसे होता है, ठीक है? अब लिप्स का आता है, तो लिप्स में अपर लिप अपना यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो लिप्स का हिसाब देखना है, तो मैं बनाता हूँ अपर लिप में बनाऊंगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ 0.7 सेंटीमीटर, लोअर लिप में बनाऊंगा लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ बना दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है? ये है 0.7, इतना हिस्सा, और ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है? अब लेंथ की बात कर लेते हैं, तो लेंथ मैं रखता हूँ 6 सेंटीमीटर, 6 की जगह एक काम करता हूँ 5 रख लेता हूँ, तो 2.5 यहाँ पे ऐसे लाइन खींच ली मैंने, और 2.5 यहाँ पे, तो इतने लिप्स काफी हैं, बहुत ज्यादा लंबे तक नहीं बनाने अपन को, तो अपने लिप्स इतने एरिया में आ जाएंगे, ठीक है? तो ये अपना बेसिक सा शेप होता है। अपन आईब्रोज जो है, आईब्रो यूजुअली यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, तो आईब्रो के लिए भी एक लाइन बना लो थोड़ा सा ऊपर इस लाइन के, तो एक लाइन बना लेंगे अपन, ठीक है? इस तरीके से एक और लाइन बना ली अपन ने, थोड़े से ऊपर है 0.7 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं करना, तो ये अपने बेसिक सा शेप बनता है, ठीक है? अपन ने ये मेजरमेंट्स लगा दिए प्रोपोर्शंस के लिए, तो पहले इतना कर लो, मेरे को देखना, यहाँ ध्यान देना, अपन आईज कैसे देखा था लास्ट क्लास में, इस तरीके से थोड़ा ये आया, टिप के लिए टिप यहाँ पे बनेगी अपनी, मैं पहले टिप बना दे रहा, ठीक है? ये आया ऐसे फ्लैट हुआ, ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया एंड में, ओके? ये अपना ऊपर जाता है ऐसे फ्लैट होता है और फिर नीचे आ जाता है, ठीक है? ये बहुत ऊपर का जो बेस है और नीचे का, बहुत ज्यादा ही लंबा नहीं बनाना, इन्होंने कर्व रखना, ठीक है? इस तरीके से अपन ने फिर आई की टिप में सेपरेशन दिया था। टिप भी एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस में तुम लोग क्या करते हो, टिप बहुत बड़ी बना देते हो, ये वाला जो कर्व रहता है ना आई के ऊपर वाला, वो बनाया हल्का हल्का, आई के नीचे सॉलिड पार्ट रहता है, ये वाला कर्व बनाया, ठीक है? इस तरीके से, और फिर यहाँ पे अपन ने आयरिस बने, आयरिस कोई सर्किल मत बना देना पूरा सा,
इस तरीके से दो कर्व रहेंगे। बनने प्यूपिल बनाए, फिर यहाँ पे टिप बनाओ, टिप सेम बनाना, वैसा नहीं कि इसकी टिप नीचे लटक रही है इसके ऊपर भाग रही है, ये गलती नहीं करना। तुमने जिस तरीके से यहाँ टिप बनाई तो पहले इस तरीके से तुमने यहाँ टिप बनाई आराम से ऊपर, फिर यहाँ से जिस तरीके से तुमने कर्व करते हुए बनाया है सेम उसी तरीके से तुम ये लाओगे। टिप के लिए तुमने ऊपर उठाया, टिप के लिए तुमने ये बनाया, कर्व आया और फिर ऐसे नीचे हो गया। ठीक है, टिप को ऐसे सेपरेट करो थोड़ा कर्व के साथ। देखो टिप में अगर कोई एडजस्टमेंट आए तो वो कर दो ऑन स्पॉट, आए में कोई एडजस्टमेंट आए कि थोड़ा और नीचे करना है या फिर थोड़ा कर्व करना है, ठीक है, फिर ये कर्व करो यहाँ पे आयरिस वाले आई के ऊपर जो कर्व आते अपने, देख लो दोनों में एक बार बराबर हो, ऐसा नहीं कि ये बहुत ऊपर जा रहा हो, इस तरीके से रखो, आगे की तरफ झुका दिया, ये कर्व किया और ये अपन ने प्यूपिल बना दी। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया मेरा कंपेयर टू दिस, तो मैं इसको थोड़ा इरेज करके छोटा कर लूंगा, ये भी ध्यान रखना है अपन को। थोड़ी टिप में परेशानी है, ठीक है, तो इस तरीके से अपन दोनों आईज बनाते हैं। आईब्रो वाले पोर्शन के लिए क्या करना, आईब्रो तो मैं पता है यहां से स्टार्ट होगी और लगभग लगभग यहाँ पे एंड होगी, तो ये जो डिस्टेंस अपन ने यहाँ बनाया है ये लगभग है 4.2 सेंटीमीटर, तो अपन यहाँ पे भी 4.2 ऐसे मार्क कर लेंगे आई की टिप से, यहाँ पे 4.2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अपना अब एक चीज होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट की, ऐसा तो नहीं कि ये कहीं भी पहुंच रहा है एकदम नीचे रह रहा है, तो वो मैक्सिमम हाइट जो है लेट्स से वो मैक्सिमम हाइट तुम्हारी जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर इसकी लाइन खींच लो। ओके, तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे आता है, थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे लाइन बनी, ये यहाँ पे इसे टच कराओ इधर और इसे नीचे की तरफ ले जाओ। ठीक है, ये थोड़ा आगे की तरफ निकल गया, कोई परेशानी नहीं है, इसे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना, इसे भी ऐसे हल्का सा इसकी तरफ ले गए। ठीक है, इस पॉइंट की तरफ थोड़ा ऊपर और फिर यहाँ इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए ऐसे नीचे की तरफ आया। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ इस तरीके से लाइन बनाई अपन ने थोड़ी डायगनल में। अब तुम्हें एक चीज मेजर करना कि ये जो टिप से है, ये जो टिप कितने दूर है इस लाइन पॉइंट से, तो ये 3.2 आ रहा है, तो यहाँ पे 3.2 मार्क किया ऐसे, तो मेरा ये जो लाइन है वो अब यहाँ पे कनेक्ट होगी ऐसे और फिर यहाँ कर्व करके थोड़ा इधर पे नीचे से जाएगी ऐसे, सेम चीज यहाँ पे होगी और इस पॉइंट तुम्हें पता बता दिया, इस पॉइंट से निकलते हुए जाएगी ऐसे, थोड़ा नीचे की तरफ कर लेना, तो ये होता है अपना, तो दो आईब्रोज अपने साइमल्टेनियसली बन गए। ये बहुत आसान चीज है, आई के साथ ही आ जाती है। अब है अपनी नोज, तो नोज में तो मैं बता चुका हूँ, कोई ये गलती मत करना कि ये वाला कर्व ले लिया नोज में, नोज में तो मैं बता चुका हूँ ये कर्व ऐसे आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये कर्व आएगा, ये नोज पे यहाँ जाएगा। ठीक है, सेंटर तक है, फिर इसके नीचे से कर्व आया, इधर पे ज्वाइन होगा और ये अपने नोज का नॉस्ट्रल का कर्व बनता है। सेम चीज यहां करेंगे, एकदम जस्ट इधर से टच नहीं करेगा, थोड़ा नीचे से डिस्टेंस लेना ये, तो यहां से ऐसे कर्व करते करते धीरे ये नोज बना लिया अपन ने। ठीक है, तो ये नोज अपनी बन जाती है, लेकिन अपन को अभी भी हल्की फुल्की नोज स्टेम की जरूरत है, तो ये जो आ रहे तुम्हारे यहां से एक कर्व आएगा,
ऐसे धीरे धीरे ये आई की टिप के नीचे तक ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा यहां से कर्व कर लो, एकदम ज्वाइन नहीं करना और ये बहुत लाइटली ड्रॉ करना, ठीक है। इतना ही बचता है अपना, तो बस लिप्स बचते हैं, तो इतना बना लो। तो ये लिप्स के लिए अपन ने ये बॉक्स बना रखा है, ठीक है। अपर लिप अपने को पता है विथ उसकी 0.7 और लोअर लिप की 1, और दोनों की लेंथ 0.5 के रहा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक वी सा शेप बनाओ, ठीक है, एक कर्व वी। कोई शार्प वी भी बना सकते हैं, लेकिन शार्प एकदम ऐसे पॉइंटेड मत रखना कि एकदम ऐसे उल्टा सीधा बना रहे हो। एजेस की जगह कर्व रखना यहाँ, फिर एक नीचे एक और कर्व बनाओ। वी शेप नहीं बनाना, कर्व बनाना इस पॉइंट से थोड़ा नीचे, ऐसे ये ऊपर जाता हुआ। तुम्हें पता है अपना एंड पॉइंट ऐसे आएगा, तो यहाँ से एक डाउनवर्ड फेसिंग कर्व बनाया, और डायरेक्ट यहाँ ज्वाइन नहीं करना, तुम्हें कर्व के साथ ऐसे ले जाना है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, एक डाउनवर्ड फेसिंग कर्व आएगा और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की जगह एक हल्के से कर्व के साथ ज्वाइन करना है। ये हल्का कर्व है, ओके। अपनी स्ट्रेट लाइन ये होती है और जो मैंने बनाया वो ऐसा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। अब ये जो अपर लिप का ऊपर वाला पोर्शन हो गया, अब नीचे वाला देखो। तो जहां पे ये कर्व इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट, यहां से एक और कर्व आएगा हल्का सा और यहाँ ऐसे ज्वाइन होगा इस शेप में, ठीक है। यहां से सेम चीज, यहां से हल्का सा कर्व आएगा और यहाँ ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। अब आता है लोअर लिप। लोअर लिप तो देखो सब लोग का अलग अलग रहता है, अपन के दिमाग में रेफरेंस बना लो कि इसका जो बेस था नहीं कि बहुत चौड़ा है, ठीक है। हल्का सा इसका ऐसे बेस रखो, कर्व करो और यहाँ ज्वाइन कर दो ऐसे। तो ये जो है एक हल्का सा एस शेप है, जो बेस ज्वाइन हुआ है ये हल्का सा एस शेप है। सेम चीज यहीं पे हल्का सा वो एस शेप बनाते हुए कर्व करना और ये लिप्स ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने पहले इंडिविजुअली बनाने देखे हैं कि लिप्स कैसे बनाते, नोज, आईज, आईब्रो कैसे बनाते हैं। ये हल्की हल्की प्रैक्टिस करके थोड़ी सी वो भी डालना स्टार्ट कर दो अभी से कि आईलैशेस। बहुत ज्यादा अपन को जब ड्रॉ करते हैं तब आईलैशेस भर भर के नहीं डालनी होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डाल दो, थोड़ी थोड़ी तुम लोग को आना चाहिए अभी। और आईलैशेस की प्रैक्टिस डेली करो, मतलब आईलैशेस यूजुअली अपन के पोर्ट्रेट्स में से बहुत ज्यादा आती नहीं है अनटिल अनलेस कि तुम कोई मॉडल का बना रहे हो जो एकदम फेक आईलैशेस लगा के रोते रहते हैं। आईलैशेस बनाने आने, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि कैसे अपन ने 3-4 जो फेस एलिमेंट्स हैं वो देखे और उन सबको कंबाइन कैसे करते हैं। अपनी नोज ऐसी नहीं लग रही कि नोज यहाँ भग रही, लिप्स यहाँ भग रहे, एक आंख ऊपर देख रही है एक आंख नीचे देख रही, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपन इंडिविजुअली बनाने के बाद जब उन्हें साथ में रख रहे हैं तो वो सिमेट्री में आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 5-6 टाइम प्रैक्टिस करो, ठीक है, तुम्हारा अच्छा खास जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें लगे कि तुमसे लेफ्ट आई नहीं बन रही है तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द होल थिंग, प्रैक्टिस ऑफ लेफ्ट आई, ओके, उसके बगल में राइट आई की भी प्रैक्टिस करो, सेम बननी चाहिए, ठीक है। नोज नहीं बन रही, नोज की प्रैक्टिस करो अलग से, लिप्स नहीं बन रहे, लिप्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब तुम लोग को एक चीज देखने की और जरूरत है, रुक लो, रुक जाओ, देख लो पहले आईब्रो जो है अपन ने जो लास्ट में बनाए थे ऐसे हैचिंग कर दी थी, ठीक है। हैचिंग की जगह मैंने तुम लोग को जो कर्व की प्रैक्टिस बताई थी वो सेम चीज यहाँ लगी। आईलैशेस में जैसे कर्व होते यहाँ पे थोड़े से बाहर बिखरते जाते, ये शीश थोड़े से कर्व यहाँ रहते। अब जैसे अपन पीछे की तरफ जाते हैं कर्व की लेंथ बढ़ती जाती है, अभी तो देखो ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, फिर ये देखो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और इनका कर्व है जो अभी इनका जो कर्व है इधर है, इनका जो कर्व है इधर है, जो इधर आएंगे उनका कर्व नीचे की तरफ हो जाए। तो ये 3 डायरेक्शन यूजुअली रहती है इस तरीके से धीरे धीरे, जैसे जैसे इधर पे टिप के पास आता जा रहा है नीचे की तरफ डाइव करते जा रहे हैं। नहीं समझ में, कोई परेशानी नहीं, दोबारा बताता हूँ लेफ्ट वाले में।
लेफ्ट वाले जो है अपने ऐसे थोड़े बाहर की तरफ बनेंगे, फिर यहाँ पे अब सी शेप आना स्टार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब देखो तुम जरूरी नहीं तुम ऐसे फिक्स करके रखो, स्केचबुक को थोड़ा घुमा लो ऐसे, राइट हैंड इसको प्रॉब्लम हो, तो अब सी शेप बनाने से स्टार्ट करो। जैसे जैसे सेंटर की तरफ आने लगे, मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन ये है और फिर नीचे की तरफ है, तो तुम्हें ये तीन डायरेक्शंस फॉलो करनी है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आते गए। अब देखो लेंथ बढ़ गई, पहले यहाँ से सिर्फ यहाँ आ रहे थे, अब यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे कर्व करते जाओ, फिर ये एंड में यहाँ आ रहे हैं और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अपन यूजुअली आईब्रो में दो लेयर डालते हैं, एक मैकेनिकल पेंसिल से बेस और एक 10B पेंसिल से फाइन लेयर। ठीक है, तो ये 10B से तो अपन जो डालते हैं वो फेयर लेयर होती है, तुम इसमें बना के देख सकते हो मैकेनिकल पेंसिल से यार सही आ रही कि नहीं आ रही। अगर तुम्हें लगता है कि यार दोनों में गड़बड़ आ रही, दोनों सही करो, तुम्हें लगता है कि इसका सेंटर पार्ट गलत है, तो तुम उसे इरेज करके सही कर सकते हो, ताकि तुम उसके ऊपर स्ट्रोक्स लगाओ तो तुम उसी के जैसे लगाओ और वो सही आएगा। ठीक है, तो अपना इतना हो गया है, अपना इतना आज के लिए काफी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पोर्ट्रेट चालू करेंगे।